कहते हैं बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बहादुर वो होता है जो डरता तो है मगर फिर भी अपने उस डर पर जीत हासिल कर कर वो काम जरूर करता है जिससे उसे डर लग रहा था। किसी भी स्थिति में हिम्मत हारना हम सबके लिए बहुत आसान होता है, मुश्किल तो यही है कि हम उसमें उम्मीद रखें, वो उम्मीद कि हम इस स्थिति से आगे निकल जाएंगे। वो हिम्मत हम में आती है जब हम ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जब आप बैठे हैं एक स्थिति में और आंखें मूंद कर आप ध्यान करें। ध्यान है हर स्थिति में जागरूक रहना, हर स्थिति में जानना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मेरे हाथ पैर इस समय मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरी सांस आ भी रही है या नहीं। यही है ध्यान, हर वक्त ध्यान में रहना। वही है जो जीवन में हमें सफलता के रास्ते पर चलाता है। तो चलिए बैठते हैं अभी आज के ध्यान में और इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, कमर सीधी रखें और अब एक लंबी गहरी सांस भरिए और इसे रोक लीजिए। मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला होने दीजिए। हथेलियों को अपनी गोद में रख लें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें आसानी से बंद रखें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और इसे रोक लें और सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को, कंधों को, भौहों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस भरें और इस सांस को अंदर ही रोक लें और सांस छोड़ते हुए अपने मांसपेशियों को, हड्डियों को, बह रहे खून को बिल्कुल संतुलित होने दें, ढीला छोड़ दें मांसपेशियों को। स्थिरता को महसूस करें, अपने आसपास बह रही हवा के अंदर किस तरह से आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं उसे महसूस करें। देखिए कि आपका मन, शरीर कितना शांत होता जा रहा है और अगर कभी भी ये कहीं भटके तो अपना ध्यान दोबारा अपने सांस पर ले आएं। देखिए कि सांस अंदर जा रही है और उसे रोक कर धीरे से बाहर जाने दीजिए और फिर खुद ही सांस को निरंतर अंदर बाहर जाने दीजिए। जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं तो हम हमारे आसपास मौजूद हर स्थिति को हर दिशा से देख सकते हैं। ध्यान में वो शक्ति है जो आपको हर स्थिति को आसानी से हर दिशा से देखने में काबिल बनाती है। अक्सर हम सिर्फ अपना पक्ष देख पाते हैं लेकिन ध्यान में जाकर हम दूसरे का पक्ष समझ भी पाते हैं और उसके मुताबिक सही समाधान भी निकाल पाते हैं। ये मानना कि सिर्फ और सिर्फ हमने जो कहा और हमने जो माना वो सही है सबसे बड़ी गलती है। इस दुनिया में हर चीज़ में एक सच्चाई छुपी है। ध्यान में खोया हुआ व्यक्ति हर किसी का सत्य समझ के एक अच्छा समाधान निकाल सकता है। उसी शक्ति को अब अपने अंदर हमें बहने देना है। इसके लिए जो भी धैर्य हमें चाहिए हम आज अपने अंदर उसका स्वागत करते हैं। एक लंबी गहरी सांस भरिए और देखिए कि एक दिव्य प्रकाश आपके सर के ऊपर से अंदर आ रहा है, आपके शरीर के अंदर आपके आज्ञा चक्र से होते हुए आपके गले से नीचे गुजरते हुए आपके हृदय को, आपके मणिपुर चक्र को
आपके स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र को पूरी तरह से साफ करता जा रहा है, जिससे कि आपकी ऊर्जा संतुलित होके बहे। और जब हम संतुलित ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो हम हर स्थिति में नई सीख देख सकते हैं, हर स्थिति में नए अवसर ढूंढ पाते हैं। हम आज से अपनी उपलब्धियों पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारी उपलब्धियां हमें बताती हैं कि हम में कितना आत्मविश्वास है, कितनी काबिलियत है। इस पर ध्यान रखते हुए फिर से एक लंबी गहरी सांस भरिए और पूरे शरीर में इस सांस को जाते हुए देखिए, और देखिए कि शरीर किस तरह से प्रफुल्लित हो रहा है। एक शांत स्थिति में है पर उत्साह से भर रहा है। अपने आप को किसी भी स्थिति में आप शांत कर सकते हैं। अपने आप के लिए अब हम कुछ वाक्य दोहराएंगे जिसे हम पूरे दिन में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद से कहिए, मैं हर वक्त शांत हूँ, धैर्यवान हूँ, हर स्थिति मेरे अनुकूल चल रही है और मैं हर स्थिति में नए अवसर आसानी से ढूंढने में सक्षम हूँ। मैं शांत हूँ और धैर्यवान हूँ। इस भावना को, इस वचन को अपने अंदर बसाते हुए अपने शरीर को खुलने दीजिए। अपने अंदर उस दिव्य शक्ति का प्रकाश जागृत होते हुए देखिए। अब आप हर स्थिति आसानी से संभाल सकते हैं और उसको सही दिशा में ले जा सकते हैं। आपके अंदर वो सारी काबिलियत है जो स्थिति में आपको सहारा देगी, जो स्थिति में आपको आगे बढ़ाएगी। अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए अब आप तैयार हैं। याद रखें, आप हर स्थिति में अवसर ढूंढ सकते हैं और हर स्थिति को कोई भी दिशा दे सकते हैं। आप हमेशा उसे अपने मन चाहे समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। उम्मीद को अपने अंदर हमेशा जागृत रखें और इस भावना को अब अपने अंदर समाते हुए शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस कीजिए। आत्मविश्वास और उत्साह से भरी इस ऊर्जा को शरीर में ऊपर नीचे जाते हुए देखिए और अब धीरे धीरे चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए। दोनों हथेलियां अब हम आपस में रगड़ेंगे और इसे आंखों पर रखते हुए धीरे से आंखें खोलिए। एक नए उत्साह से जीवन को जीने की आज से हमें पूरी कोशिश करनी है। स्वागत है आपका